पीटीआई के साबिक रहनुमा असद उमर ने खामोशी तोड़ दी, अहम इंकशफात कर दिए। पीटीआई के साबिक मरकजी रहनुमा असद उमर ने निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि जब भी पीटीआई की दोबारा हुकूमत आएगी तो उस्मान बुज़दार दोबारा वजीर आला बनेंगे। बानी पीटीआई को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उस्मान बुज़दार पर कोई केस ही नहीं बना। असद उमर ने कहा कि बानी पीटीआई के बाद किसी ने सबसे ज्यादा पार्टी के लिए मेहनत की तो वो जहांगीर तरीन थे। अलीम खान को भी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते देखा था। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि फैटफ का मामला उस वक्त की अपोजिशन के पास लेकर गए थे तो उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस पर बात करें। असद उमर ने कहा कि बानी पीटीआई की दरखास्त पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करके सियासत शुरू की थी। बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो उनके साथ मुलाकात भी होगी और गिले शिकवे भी होंगे। असद उमर ने वाजे कर दिया कि अगर बानी पीटीआई जेल में मुलाकात के लिए बुलाएं तो वो जरूर मुलाकात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।